दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है सूर्यदीप नायक और आप देख रहे हैं ग्रूवी गेमर। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं GTA San Andreas बट मुकेश अंबानी के स्टाइल में। जी हाँ, मुकेश अंबानी के स्टाइल में खेलने वाले हैं आज। देखते हैं मुकेश अंबानी जी आप कैसे खेलते हैं। हम तो बने हैं मुकेश अंबानी, चलो देखते हैं क्या हाल होता है। मुकेश अंबानी जी ने पहले अपने हैकिंग स्किल से एक लिमोसिन मंगवा ली। चलो ठीक है, अब मुकेश अंबानी जी इसको पूरे स्पीड में भगाएंगे, कति जहर स्पीड में भगाएंगे। एकदम सही में कह रहा हूँ, एकदम भगाएंगे, एकदम तेज, इतना तेज ना। देखो अभी ऐसे चलाएंगे कि जैसे आज मैं आजाद फिर मस्त गगन में, ऐसी आवाज होती है। पर और ठोक दिया मैंने, मुकेश अंबानी जी ने बेवजह ठोक दिया। इसकी में कोई गलती नहीं है, ये भी दूसरी गाड़ी भी चोरी कर लेंगे। देख रहे हैं तो अभी मुकेश अंबानी जी का सोच है कि कहीं घूमने चलते हैं, तो निकल पड़े हैं घूमने। पर उससे पहले ये क्या डांसिंग कार बना दे रहे हैं यार ये, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साइड हो जा। हाँ तो मुकेश अंबानी जी अभी चलने वाले हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या हाल होता है उनका। जी हाँ, मुकेश अंबानी जी ने आगे का तो टायर ऊपर कर लिया है, पर हम तो हैं ही ऐसे। पर देखते हैं कहाँ चलते हैं हम। चलो भाई साहब, मुकेश अंबानी जी ने ना दो पुलिस वालों को ठोक दिया, तो भाई साहब आदमियों को भी ठोक रहे हैं। इतने स्वैग प्रो, ओ भाई साहब, ये होता है मुकेश अंबानी का स्टाइल। क्योंकि मुकेश अंबानी जो है ना, वो किसी के सुनते नहीं है। आपने तो वो वाला सीन तो देखा ही होगा, जो एक रिपोर्टर गया था मुकेश अंबानी के घर और वो बोल रहा था मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। वैसा ही हाल हो रहा है इनके साथ, ये किसी को भी सीरियसली नहीं लेते, किसी को भी ठोकते चले जाते हैं। चलो देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि मुकेश अंबानी जी ठोक कह रहे हैं आपका मत्था ना फूट जाए। आराम से चलिए मुकेश अंबानी जी, आराम से, ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो रही इधर। मुकेश अंबानी जी ना, मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जी जो है ना, वो बहुत बड़े मतलब पावरफुल तो है ही, लगता तो है वो पावरफुल है। पर अरे मुकेश अंबानी जी, आप मेरे को यहाँ पे बात करने देंगे? पता नहीं अलग ही स्टाइल में चलो। ओ भाई, फोड़ दीजिए गाड़ी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये जो मुकेश अंबानी जी हैं, ये मतलब हाँ मानता हूँ कि ये एक सीरियसली लेते नहीं है, पर ये बहुत पावरफुल इंसान है वैसे। ओ मुकेश, सॉरी। हाँ तो ये इतना वो सीरियसली तो लेते नहीं है, तो पर वो है पावरफुल। मैं क्या करूँ तुम्हारा, चलो ठीक से। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनको बोलना चाहिए कि हाँ वो पावरफुल इंसान है। अरे ठोक दे तुम। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो मुकेश अंबानी जी है ना, मेरे को तुम बात करने दोगे? और ठोक ले तू, और ठोक ले पीछे से ठोक, और ठोक, हाँ ठोक दो, फोड़ दो मेरी गाड़ी को। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ अरे मुकेश अंबानी जी ने आप मर जाओ, गाड़ी फूट जाए। वेरी गुड, अच्छा हुआ कि आप गए। ये है दूसरे दिन हॉस्पिटल से बाहर।
ये मुकेश अंबानी जी को पता नहीं क्या हो गया है। कल की बात को साइड में रखते हुए चलिए अभी शुरू करते हैं नया दिन। मुकेश अंबानी जी फिर से एक विंटेज कार को चोरी करते हुए ये बंदे को बेचारा बंदा कितने मुश्किल से कमाते हैं। ये इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास तो है ना जियो का वो है, रिलायंस का डिजिटल है, रिलायंस का सुपर मार्ट है। तुम ठोक दो ना एक बार में, हाँ और बना लो, और उछला लो इसको। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े वो हैं। देखिए मुकेश अंबानी जी, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं आपको अभी देखो मेरे को गुस्सा आने लग रहा है। अब आ रहा है मेरे को गुस्सा। हाँ तो क्या कह रहे थे हम कि मुकेश अंबानी जी जो है ना, उनको हम इतना भी अच्छा बोलते हैं पर उनके पास तो है ना, वो उनके पास तो जियो का है और क्या बोलते उसे, रिलायंस डिजिटल है और वो रिलायंस सुपर मार्ट है, उसमें क्या कर लेंगे। इनके पास तो मतलब 500-500 करोड़ रुपए एक शादी में, तो ये लोग 500-500 करोड़ रुपए लगा देते ना। हाँ जी मुकेश अंबानी जी, टूटी फूटी कार को कहाँ लेके जा रहे हो बताइए, जरा बताइए कहाँ लेके जा रहे हैं आप इतनी टूटी फूटी गाड़ी को, बताएंगे हैं? बताइए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये, पैसे भी नहीं है, देख लीजिए अकाउंट में पड़े हुए हैं पूरे 500-600 करोड़ और गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए $100 भी नहीं है, देख लो। इनको कहते हैं मुकेश अंबानी, कहते हैं इनके पास तो ना कुछ है ना कुछ है, नाम से ही ज़्यादा ही बन रहे हैं। हाँ पीछे से तू भी ठोक ले, आ जा ठोक मेरे को ठोक। वाह मुकेश अंबानी जी ब्लास्ट के गुंडों को मारते हुए, पर एक स्टार की वांटेड लेवल उनके ऊपर आ गई। क्या करें क्या, बताइए। सॉरी जादी उछल गया मैं। अरे मुकेश अंबानी जी अभी ग्रुप फिर उड़ा दिए एक को, क्या मतलब क्या तुम्हारा, क्यों क्या मतलब है। अरे मुकेश अंबानी जी अब आपके पीछे आ गई है पुलिस, भगो यहाँ से, हाँ घर के अंदर भग जाओ तुम। एक सेकंड, ये मुकेश अंबानी का घर नहीं है तो कौन किसका है, जॉनसन का है भाई साहब, दूसरों के घर में घुसते हो, पहले सेव करने। हाँ तो क्या कर रहा था, हाँ हम कहीं रहते हैं मुकेश अंबानी जी, आपकी दाढ़ी तो बहुत मस्त बनी है, तो चलो बिना किसी देरी के अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय गाइस, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।